कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है, मतलब जो कांड हमने पहले किया था शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। और लगता है मेरी तब भी लगी थी और अब भी लगेगी। अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म की सीक्वल भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन ने जो धमाल मचाया था, उसके बाद ये खबरें जोरों पर थी कि हेरा फेरी के तीसरे पार्ट में भी अब कार्तिक ही अक्षय की जगह लेंगे। हालांकि इसके बाद बहुत सारी खबरें आई, लेकिन अब फाइनली हेरा फेरी 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस के लिए हम एक खुशखबरी लाए हैं। बाबू भैया और धनश्याम के साथ राजू के किरदार में और कोई नहीं बल्कि एक बार फिर अक्षय कुमार ही नजर आने वाले हैं। खबर थी कि इस फिल्म का निर्देशन अनीत पचमी के हाथों में जाने वाला है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। ये फिल्म अब फरहाद सामजी डायरेक्ट करेंगे। खबर के अनुसार फिरोज नाडियावाला ने इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। हालांकि इस फिल्म से जुड़े ये परिवर्तन काफी चौंकाने वाला है। दरअसल अक्षय कुमार ये कह चुके हैं कि उन्हें इस फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और वो इसका हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन अब अक्षय की वापसी काफी चौंकाने वाली है। हो सकता है कि अक्षय को इस फिल्म का हिस्सा बनाने के लिए स्क्रिप्ट में बहुत बदलाव किए गए हैं। खबर है कि पहले इस फिल्म का हिस्सा कार्तिक आर्यन बनने वाले थे। कार्तिक इससे पहले भी भूल भुलैया 2 में बॉलीवुड को 2022 की सबसे बड़ी हिट दे चुके हैं। ऐसे में ये खबरें जोरों पर थी, लेकिन अब साफ है कि इस फिल्म की शूटिंग अक्षय कुमार के साथ शुरू हो चुकी है। वैसे इसे कार्तिक के लिए शहजादा के फ्लॉप होने के बाद दूसरी बुरी खबर कहा जा सकता है। एक हफ्ते पहले ही ये खबर आई थी कि अक्षय, सुनील और परेश रावल हेरा फेरी 3 के लिए मुंबई के एम्पायर स्टूडियोज में मिले थे। आज यानी कि इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इस कॉमेडी सीरीज की पहली फिल्म 2000 में रिलीज हुई थी, वहीं इसकी हेरा फेरी 2 साल 2006 में रिलीज हुई थी। अब पूरे 17 सालों बाद इस फिल्म का तीसरा भाग बनना शुरू हो चुका है। उम्मीद है फैंस को जल्द ही राजू, धनश्याम और बाबूराव की ये मजेदार तिगड़ी हंसाते हुए नजर आएंगी।